नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेसीसी सीजीएल में कुछ पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को चूज करना है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आंसर को और कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो उस क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइगर ट्रैम्प किस देश के बीच होने वाली सैन्य अभ्यास है? टाइगर ट्रैम्प किस देश के बीच होने वाली सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शन है ए भारत और जापान, बी भारत और मंगोलिया, सी भारत और अमेरिका और डी भारत और बांग्लादेश। आंसर है टाइगर ट्रैम्प भारत और अमेरिका के बीच होने वाली सैन्य अभ्यास है। ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में इस बार आयोजित होगी। याद रखिए, कहाँ आयोजित हो रही है? इंडिया में ही आयोजित हो रही है। और कौन से शहर में आयोजित हो रही है? ये विशाखापट्टनम में आयोजित हो रही है। यह ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या है? ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब ये है कि इसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों सेना मिलकर अभ्यास करेंगी। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, टू आई बोरिसोव क्या है? लड़ाकू विमान, सुपर कंप्यूटर, इंटरस्टेलर ग्रह, क्या है? इन चारों ऑप्शन में से बोरिसोव क्या है? लड़ाकू विमान, सुपर कंप्यूटर, इंटरस्टेलर वस्तु और ग्रह। आपके आंसर है इंटरस्टेलर वस्तु। क्या होता है इंटरस्टेलर वस्तु? ये कोई वस्तु होती है जो दूसरे सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में आती है। यहाँ पर टू का मतलब सेकेंड है, दूसरा है और आई का मतलब इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। मतलब ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है टू आई बोरिसोव, ये दूसरा इंटरस्टेलर है। पहला जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया था उसका नाम है आओमुआमुआ, जो 2017 में डिटेक्ट किया गया था। ये जो दूसरा जो है, जो कॉर्नर साइड में जो इमेज है, ये आओमुआमुआ की तस्वीर है। ये हाइपोथेटिकल तस्वीर है, ये अज्यूम किया हुआ है। जब हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं तो जो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो याद रहे, टू आई बोरिसोव इंटरस्टेलर वस्तु है और पहला इंटरस्टेलर वस्तु जो डिटेक्ट किया गया था वो है आओमुआमुआ, जो कि 2017 में देखा गया था। आपका तीसरा क्वेश्चन है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, गुजरात। आंसर है उड़ीसा। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है। देखिए, 2016 में जेसीसी सीजीएल ने जो एग्ज़ाम लिया था उसमें क्वेश्चन था कि चिलिका झील किस राज्य में स्थित है, वो भी उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जबकि इसका कारण चर्चा में आने का है कि इसमें चार हाथियों की एक वायरस के कारण मौत हो गई है। और हाथी क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु है। तो इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लोग याद रखिए, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में है। चौथा क्वेश्चन, जो कि हाथी से ही मैंने लिया है, क्योंकि तो हाथी हमारा राजकीय पशु है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु है, तो जेसीसी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। 2017 में हुए हाथियों की जनगणना के अनुसार हाथियों की संख्या में झारखंड का क्या स्थान है? हर 5 साल में हाथी की जनगणना होती है। 2012 में हुई थी, 2017 में भी हुई थी। तो इसमें 2017 में जो जनगणना हुई थी उसमें झारखंड का क्या स्थान है? पहला, बी चौथा, सी सातवां, डी दसवां। आंसर है सातवां। झारखंड को सातवां स्थान मिला था। और पहला स्थान किसको मिला था? पहला है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है। और असम को मिला था दूसरा। जनगणना के अनुसार झारखंड में हाथियों की संख्या 555 है, जो कि 2012 में की जनगणना में 668 थी। तो यहाँ पर हाथियों की जनसंख्या में डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, फ़ोटो में देख सकते हैं। भारत में कुल 27,312 हाथी है, जिसमें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं 6,049, असम में 5,719 और केरल में 3,054। तो याद रहे दोस्तों, झारखंड का स्थान सातवां था और झारखंड में 2017 के अनुसार 555 हाथी हैं। जो आपका पांचवा और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी
प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? इस प्रोजेक्ट को ITER प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो ये किस देश में स्थित है? ए फ्रांस, बी इंडिया, सी स्विट्जरलैंड, डी रसिया। आंसर है फ्रांस। क्या है इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट? यहाँ इस बार जो G7 की समिट हुई थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस साइट को विजिट किया था। इस प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को सिविल यूज में आने के लिए तकनीक विकसित की जा रही है और भारत इस प्रोजेक्ट का एक सदस्य है। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, एक फिजन और फ्यूजन। फिजन में क्या होता है कि दो अलग अलग एटम में टूटते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि दो अलग अलग एटम एक मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। फिजन में जो एनर्जी होती है उसकी मात्रा, उसको हम लोग कंट्रोल करके सिविल यूज में ला सकते हैं। ये तकनीक विकसित हो चुकी है, क्योंकि ये एनर्जी उतनी नहीं होती है जितनी कि फ्यूजन से निकलती है। फ्यूजन में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसको सिविल यूज के लिए हम लोग नहीं ला पाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि फ्यूजन एनर्जी जो रिलीज होती है, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको सिविल यूज में कैसे लाया जाए। इसमें 7 to 8 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया 10% इसके कॉस्ट को इनकर कर रहा है, जो कि 17,000 करोड़ रुपये हैं। और इंडिया ने अभी इसके लिए एक दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर भी बनाया है, और इस रेफ्रिजरेटर को L&T कंपनी ने बनाया है। और इतनी बड़ी ये रेफ्रिजरेटर है तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो याद रहे ITER प्रोजेक्ट किस राज्य में और किस देश में स्थित है, वो है फ्रांस, और इंडिया इसका एक मेंबर है। और इसमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को सिविल यूज में लाने के लिए तकनीक डेवलप कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा, और मेहनत करते रहिए दोस्तों। भले ही JCC CGL का डेट बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग के अंदर की एंथुसियाज्म कम नहीं होनी चाहिए और कंटिन्यूस मेहनत करनी है। और इस बार ही हम लोग को JCC CGL निकालना है और सचिवालय में जॉब लेना है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्प्रेड द स्पिरिट ऑफ नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।